राज्य शासन द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए उज्जैन जिला प्रशासन ने महाकाल सवारी मार्ग में बदलाव करने का निर्णय लिया है। जिला प्रशासन का कहना है कि राज्य और केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार महाकाल की सवारी निकाली जाएगी। मंदिर प्रशासक नरेंद्र सूर्यवंशी ने बताया कि राज्य शासन के गृह विभाग द्वारा जारी हुई गाइडलाइंस का पालन करते हुए सावन और भादव मास की सवारी निकाली जाएगी। परंपरा को ध्यान में रखते हुए सवारी महाकालेश्वर मंदिर से निकलकर बड़ा गणपति हर सिद्धि चौराहे होते हुए रामघाट पहुंचेगी। घाट पर पूजन अर्चन होने के बाद पुनः इसी मार्ग से सवारी महाकालेश्वर मंदिर पहुंचेगी। सवारी में आम श्रद्धालुओं को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रखा गया है। देखिए, आपको जैसा विदित है कि कोविड का संक्रमण से सुरक्षा करना है, और दूसरी बात यह है कि अभी वर्तमान में कोरोना गाइडलाइन भी लागू है। सभी प्रकार के धार्मिक आयोजन जिसमें जनसमूह एकत्रित होना है वो प्रतिबंधित है। ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन ने निर्णय लिया है कि इस बार कोविड के कारण से कांवड़ यात्रा पे प्रतिबंध लगाया गया है। हमने आसपास के जिलों से भी बात करी है, जो बड़ी एक श्री गोलू शुक्ला जी है, उन्होंने भी आगे आके हम लोगों को सहयोग का आश्वासन दिया है, और इस बार कोविड के कारण कांवड़ यात्रा नहीं निकलेगी। 4 या 5 लोगों का देखें तो दर्शन की बात है, भगवान के दर्शन जो निर्धारित संख्या है जो मंदिर के अंदर, और जो आते हैं एक दुख के दर्शनार्थी के रूप में कोई आ सकता है, लेकिन ग्रुप के रूप में इसमें प्रतिबंध है, जो प्रतिबंध लागू रहेगा। सवारी को लेकर क्या? देखिए, सवारी को लेकर यह है कि चूँकि जैसा बताया है कोविड की सुरक्षा ज़्यादा हमारा दायित्व है, और भगवान महाकालेश्वर की सवारी जो है व्यवस्थित रूप से निकले बिल्कुल गरिमामय तरीके से, तो इसका भी हमने निर्णय लेके जो पुराना मार्ग है जिसको हम जो लास्ट ईयर था सिद्धि होते हुए शॉर्ट रूट जो है उसी से हम भगवान महाकाल की सवारी निकालेंगे। इसके साथ ही गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए उज्जैन जिले में कांवड़ यात्रा को लेकर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया हुआ है। उज्जैन से मृदुभाषी के लिए अमृत बैंडवाल की रिपोर्ट। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। We'll be right back.